ندار پاها میخوام که باد بیام از دار دنیا فقط تو مونده بودی برام چجوری ازت جدا بشم منو میذاری میری ولی کی میدونه من چی میکشم چجوری ازت جدا بشم منو میذاری میری ولی کی میدونه من چی میکشم ولی هم سفر یه خورده آهسته تر اما اگه راهی بود برگرد و من را ببر یه وداع رفتی و مون عطر نفست رو چادرم تو رو به امون خدایی که کسه می کسونه می سپرم صدای خسته با پر و بال بسته بابا منو بغل کن خیلی دلم شکسته نفسی برام نمون دم آخری صدات کنم یہ ابھی ہم نکلے ہیں مقام امام جعفر صادق علیہ السلام سے اب ہم بڑھیں گے مقام امام زمانہ کی طرف اور وہاں کی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں ये हम मकाम साहिब जमान पे सलाम अलैकुम ये है नहर फुरात यहाँ सिर्फ अभी लेडीज़ जा सकती हैं जिसकी वजह से हम नहीं जा सकते बेसिकली नहर फुरात तो अब कम हो गई है बस एक छोटी सी उसका नहर बह रही है पानी की तो उसको उन्होंने मकाम बना दिया है अभी हम चलते हैं मकाम साहिबुज़्ज़मान की तरफ کمش داخل بلاستیک حج آقا کمش داخل بلاستیک
ये भी हम मकाम इमाम ज़माना मकाम में साहिब ज़मान से निकल चुके हैं और अभी हम जाएंगे मकाम अली अकबर अलैहिस्सलाम के पास, फिर उसके बाद हम जाएंगे मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम पर। रश यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि अमूमन होता यह है कि अरबईन के बाद जो है लोग एतराफ़ की ज़्यादा पर निकल जाते हैं। ये तो करबला के अंदर एतराफ़ हैं, बाकी जो और ज़्यादा हैं जैसे ताजमहल सामरा बलद, तो उसके भी लोगों का अब रश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा। बट अरबईन या अरबईन से पहले जो रश था वो रश नहीं है, बट स्टिल अभी आप आराम से ज़ियारत वगैरह कर सकते हैं। ये वो सीधा रोड है जो इमाम मौला हुसैन के रोज़े से इमाम आखुज़ाम मकाम इमाम आखुज़ामान तक जाता है। इसका आप फासला देख सकते हैं और इस फासले पे इमाम ज़माना आके गिरिया करते थे और रोते थे, और जो आपने ज़ियारत नहाइया सुनी होगी तो वो इमाम के जुमले, तो मौला यहाँ बैठ के बहुत गिरिया करते थे आकर। तो ये एक डिस्टेंस है, ये बाज़ार है, ये मार्केट है यहाँ की चीज़ें वगैरह लेने के लिए। इसी के बीच में जो है मकाम अली अकबर मकाम अली असगर है। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको वो दिखाता हूँ। गर्मी से बचने के लिए आप फैंस वगैरह देख सकते हैं जो यूजुअली आपको जो है वो इराक के अंदर करबला के अंदर मिलेंगे। तबरुक इमाम हुसैन निकाल के दूँ। तो पाकिस्तानी ज़ायरीन अभी आपको काफ़ी दिखेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो अरबईन के बाद ही वो ज़ियारत वगैरह कर रहे हैं। फैंस वगैरह आप देख सकते हैं। ये हम आ गए हैं मकाम अली अकबर के रास्ता। पहले जो ये मॉल नहीं बना हुआ था तो इसका रास्ता यहाँ सेंटर से नहीं था, तो आपको पीछे से गलियों में से घूम के जाना पड़ता था। अभी वहाँ से मैं आपको वापसी का रास्ता मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगा क्योंकि मकाम अली असगर जो है वो उधर से आता है। तो अभी ये चलते हैं। मार्केट यहाँ जगह जगह है क्योंकि लोग दुनिया भर से आते हैं, तो इनकी सोर्स ऑफ इनकम इराकीज़ की वो इसी से जो है एक होटल्स और एक शॉप्स यहाँ आपको बेतहाशा मिलेंगी। गली से चलते ये वो बाज़ार है जिसकी मैं बात कर रहा था। पहले यहीं से आते थे, सब यहीं से आते थे जाते थे जब मॉल नहीं बना था। वो बीच से रास्ता बना दिया है मॉल से तो बहुत करीब हो गए। तो अभी हम चलते हैं इमाम अली असगर मकाम में, इमाम अली असगर पे यहाँ पे जो है वो बनी है। हम पहुंच चुके हैं मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम।
घोड़ा जी के बजाय यहाँ पे लोग मन्नत वगैरह भी मानते हैं, जैसे जिनकी औलाद नहीं हो रही तो यहाँ के मन्नत मान सकता है। देखें वही रोड निकल चुके हैं, पहले हम इधर से एंटर होते थे दोनों मकामों के लिए, कल वही मैंने आपको बताया वहाँ से अब जो हम नई एंट्रेंस बन गई है। सामने है इमाम है मौला है हुसैन का रोज़ा। ये मैं मौजूद हूँ इमाम हुसैन के रोज़े के बाहर और यहाँ पे सीधे आते तिला जैनिया भी है। तिला जैनिया हिस्ट्री आप सबको पता ही होगी, नहीं पता है तो मैं आपको बता चलूँ। ये वो मकाम है जहाँ पे एक पहाड़ी हुआ करती थी, जब इमाम हुसैन को मौला हुसैन को ज़रबत लगी थी और उनको शहीद किया जा रहा था, तो यहाँ से बीबी ने खड़े होकर इमाम हुसैन को देखा था। तो इस जगह को तिला जैनबिया कहते हैं। ये बेसिकली फॉर लेडीज़ ओपन होती है तो और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसकी वजह से जो अभी यहाँ पर हम अंदर जा नहीं सकते। इसी के बिल्कुल पीछे जो है वो खैमा गए हुसैनी या मौला के खैमे वगैरह लगे थे, तो उधर जो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ले जा सका तो ज़रूर लेकर जाऊंगा। अभी चलते हैं इमाम हुसैन के रोज़े पे नमाज ज़ोहरैन अदा करने, उसके बाद फिर हम चलते हैं खैमा गए हुसैनी पर। ये खैमा गए हुसैनी का रास्ता है, ये पूरा पहले यहाँ होटल्स वगैरह हुआ करते थे, तो ये उन्होंने काट के जो है वो पूरा हाथे में ले लिया है खैमा गए हुसैनी को और तिले जैनबिया को। ये सामने जो है वो आप देख सकते हैं खैमा गए हुसैनी है। खैमा गए हुसैनी मौला अबुल फजल अब्बास का खैमा, ऐसे सारे खैमे बने हुए हैं अंदर, ये आप हॉल देख सकते हैं। ये इमाम हुसैन के खैमे के पीछे जो है वो बीबी जैनब का खैमा था, इमाम हुसैन लाबिदीन का खैमा। ये
इमाम कासिम का खेमा है,